बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हो चुका है चक्रवाती तूफान। देश के इन राज्यों में 11 से लेकर 14 अक्टूबर तक भारी बारिश की आशंकाएं। दोस्तों स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। तो क्या बड़ा अपडेट आया है मौसम को लेकर, चलिए जान लेते हैं। आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे अपडेट रहें आप MP सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट। दोस्तों बारिश का मौसम जाने को तैयार है, लेकिन सर्दियां आने को बेचैन है। ऐसे में भारतीय मौसम विभाग IMD ने गुरुवार को अक्टूबर से दिसंबर तक आने वाले चक्रवाती मौसम के लिए एक समीक्षा बैठक की, जिसके बाद PTI से बात करते हुए विभाग ने मौसम विज्ञान महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि विभाग में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काफ़ी सुधार किया गया है। IMD अब चक्रवात का परीक्षण, पूर्वानुमान और ट्रैक करने के लिए एक इंटरैक्टिव डिस्प्ले सिस्टम शुरू करने वाला है। मौसम विभाग ने समीक्षा बैठक की है और चक्रवात की चेतावनी सहित कई मोबाइल ऐप के बारे में भी हितधारकों को जानकारी दी। बैठक में IMD ने नेशनल सेंटर फॉर मीडियन रेंज वेदर फोरकास्टिंग, भारतीय वायुसेना, केंद्रीय जल आयोग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के विशेषज्ञों ने भाग लिया है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। तो वहीं मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक प्रेशर बन चुका है, जो कि आज कम दबाव के तब्दील हो जाएगा। इसके कारण नॉर्थ इंडिया के कुछ राज्यों में आज से लेकर अगले 3 दिनों तक भारी वर्षा हो सकती है। गजपति, रायगढ़ और गंजाम जिले में येलो अलर्ट है। IMD ने कहा है कि ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इसी वजह से मालकागिरी, कोरापुट, गजपति, रायगढ़ गंजाम जिले में येलो अलर्ट की जारी किया गया है। तो वहीं तटीय इलाकों में 45 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से तेज़ हवा चलने की आशंकाएं व्यक्त की गई हैं। ऐसे में समुद्र में जाने वाले मछुआरों को 10 अक्टूबर तक वापस आने की सलाह दी गई है और पोस्ट मानसून बारिश हो सकती है। तो वहीं 16 अक्टूबर को एक नया मौसम सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनेगा और जिसके कारण बंगाल में देखने को मिलेगा, लेकिन ये पोस्ट मानसून बारिश होगी क्योंकि 15 अक्टूबर तक मानसून पूरे देश से विदा हो जाएगा। लेटेस्ट अपडेट था मौसम विभाग का। वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जान सके लेटेस्ट अपडेट को और रह सके MP सहित देश की सभी कैटेगरी खबरों से अपडेट।